चिट मामले में गिरफ्तार दिशा के साजिशों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसके मुताबिक साजिश में वो ब्रजा के संपर्क में थी। तो उधर उसके दोनों साथियों निकिता और शांतनु की तलाश जारी है। आपको बता दें कि जमानत पर आज सुनवाई भी होनी है मुंबई हाईकोर्ट में। इन सबके बीच बीजेपी कांग्रेस में आरोपों की खेप पर खेप जारी है, यानी कि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जो देशद्रोही है, जो देश का बुरा सोचते हैं, उनके साथ कांग्रेस क्यों है। और कांग्रेस बार बार कह रही है कि अपनी बात कहने का क्या समाज में, हिंदुस्तान में हक भी नहीं रह गया अब लोगों को, क्योंकि कल प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया था, राहुल गांधी ने भी उसके बाद ट्वीट किया और दिशा की गिरफ्तारी को लेकर कड़ा एतराज जताया। ये सरकार तय कर लिए हैं, फैसला कर लिए हैं कि ये सरकार के खिलाफ अगर हिंदुस्तान की कोई व्यक्ति जुबान से एक बात निकाले तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की सारे इंतजाम ये सरकार कर लिए है। सरकार के पास पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट है, यूएपीए है, सेडिशन एक्ट है, एक्ट की कोई कमी नहीं है। जब सरकार को ये लगे कि ये बात मुझे पसंद नहीं है तो तुरंत कार्रवाई करने के लिए सरकार के पास इस तरीके की कानून मौजूद है। और जिस प्रकार का खुलासा दिल्ली पुलिस ने अपने प्रेस वार्ता में किया है वो देश को चौंकाने वाला है। जिस टूल किट के विषय में पूरा देश सवाल उठा रहा था कि ये देश को तोड़ने वाला एक टूल किट था, उस टूल किट के षड्यंत्र को पूरी तरह से पर्दाफाश करके इस पीसी ने रखा है। और मुझे लगता है देश का कानून सर्वोपरि होता है। जो भी व्यक्ति देश को तोड़ने का प्रयत्न करे, कानून को उसका काम करना चाहिए, कानून को अपना काम बिल्कुल करना चाहिए। जो लोग उस पर विलाप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग अपनी राजनीतिक रोटी इस पर सेकने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो देश के साथ, देश की अखंडता और देश के संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।